इस स्किट को देखकर सर मुस्कुराएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ तो नहीं है, एग्जाम आप नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट वीक ही होंगे, तैयारी शुरू कर दो। एग्जामिनेशन का दिन चल रहा है, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एग्जाम की घड़ी स्टार्ट हो गई। सबने मास्क पहन लिया, अभी कॉफी गिरने शुरू करते हैं, सर को घंटा भी नहीं पता चलेगा कि किसकी आवाज है। ए, और मत करें ये। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखो। इलेक्ट्रोलिसिस इज द पासिंग ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। आवाज कैसे आ रही है? अरे छोड़ो उसको, उसको घंटा भी नहीं समझ आ रहा है, अपना आंसर लिखो। अबे पीछे देख, तेरे पे शक आ रहा है। मुखल, मुखल। अबे वो नहीं, मैं हूं मैं। पाक। ए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कॉपी कौन कर रहा है? There are lots of electrons in an atom. अबे वो लड़की है। Sorry. Now if you want to distinguish between those electrons, अबे वो लड़का है। Then we need to name them. अबे इधर देख। My principal quantum number. अबे teacher and them. अरे मैं हूँ। He actually means that the probability of finding the electron is higher within that particular radius. पहला आंसर होता है समाप्त। Thank you, sir. 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 Paper bahut difficult tha.